अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बर्गर सॉस। बर्गर सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है केचप, 4 टेबलस्पून मेरे पास केचप है, 2 टेबलस्पून मेरे पास क्रीम है। क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे ज़्यादा क्रीम ही पसंद है तो इसलिए मैं इसमें क्रीम भी शामिल करती हूँ। 7 टेबलस्पून मेरे पास मेयोनीज़ है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 3 टेबलस्पून मेरे पास चिली गार्लिक केचप है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून मेरे पास मस्टर्ड पाउडर है, 1 टीस्पून ही मेरे पास गार्लिक पाउडर है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून ही मेरे पास पेपरिका पाउडर है। तो चलें इसकी मेकिंग स्टार्ट। बॉल ले लेंगे, सबसे पहले इसमें मेयोनीज़ शामिल करेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें केचप शामिल कर देंगे। बहुत मज़े की ये सॉस तैयार होती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा बर्गर्स में, और आप इसको फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं, इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, साथ ही चिली गार्लिक केचप भी शामिल कर देंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब जो हमारे पास मसाले थे वो इसमें शामिल करेंगे, लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, इस क्वांटिटी के लिए ये सारे स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो अपने स्पाइसेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रिल बर्गर्स में, बीफ बर्गर्स में, चिकन बर्गर्स में बहुत ही मज़े की ये लगती है। आप इसको बना के रख लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आपके आराम से 3 महीने तक ये चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसका कलर देख सकते हैं और इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये देखें बिल्कुल भी ये ज़्यादा थिक नहीं है। अगर आपको क्रीम पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, और अगर ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सॉस अच्छे से तैयार हो गया। मैं आपको एक इंग्रेडिएंट बताना भूल गई थी, वो ये है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वो ये है कि ब्लैक ऑलिव्स थे मेरे पास, उनको मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। 3 टेबलस्पून मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा बर्गर में, बहुत ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन ये सॉस तैयार होती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।